नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमेठी और रायबरेली के साथ यूपी में बदले हाथ के हालात से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में हैं। जोश इसलिए क्योंकि अमेठी में कांग्रेस की वापसी और रायबरेली में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद भाई बहन का पहला रायबरेली का दौरा काफी चर्चा में। चर्चा इस बात की भी होने लगी जब राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते। उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालात बदले, पिछड़े कांग्रेसी जब साथ आए तो चुनाव परिणाम का जोश राहुल और प्रियंका के चेहरे पर झलकने लगा कि यहां से अवध से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रव्यूह की रचना की, रायबरेली में जिस तरह से दांव खेला, उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने न सिर्फ अमेठी में वापसी की बल्कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बखूबी बरकरार रखा। मेहनत की, दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सब का। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं और रायबरेली की धरती से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर मेरी बहन प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी 2.5 लाख वोटों से हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला रायबरेली दौरा था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें। लेकिन इस दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में किसे चुनेंगे, क्योंकि दोनों लोकसभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि रायबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही। सोनिया के राज्यसभा जाने की वजह से सीट खाली हुई। सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने रायबरेली को चुना। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे। वायनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभव। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए, यानी राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी वायनाड में मोर्चा संभाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर नई सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सभी मंत्री अपने ऑफिस पहुंचे, कार्यभार उन्होंने संभाला। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कार्यभार संभाला है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी पदभार ग्रहण किया। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय और सूचना मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। तो अलग अलग जो मोदी 3.0 की टीम, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, संजय सेठ, अर्जुन राम मेघवाल, कानून की जिम्मेदारी, चिराग को नई जिम्मेदारी फूड प्रोसेसिंग की, जयंत चौधरी, कीर्तिवर्धन, सुरेश गोपी, ये जीत सबसे खास है सुरेश गोपी वाली, गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू, एल मुरुगन, इन तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इधर राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे को लेकर कांग्रेस के दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के वादे पर भी बवाल शुरू हो गया है। महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा पूरा ना करने पर दिल्ली में जमकर बवाल हुआ है। महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। क्या इंडी गठबंधन ने महिलाओं को गुमराह करके वोट ले लिए? क्या गठबंधन के नेताओं ने वोटों के लिए झूठी कहानी गढ़ी? चुनाव के बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं। पहले लखनऊ और बेंगलुरु से ऐसी खबर आई जहां पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और वे राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रही थी। अब खटाखट पार्ट 2 को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था और अब वे उस वादे को पूरा करने की मांग कर रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली महिला मंच की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि चुनाव शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों में आए, उनसे फॉर्म भरवाए गए और ये वादा किया गया कि जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है उन सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। जो केजरीवाल जी ने सब महिलाओं को वादे किए, उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? हमसे झूठा फॉर्म क्यों भरवाया और उन्होंने क्यों कहा कि हमें बैंक में 1,000 रुपए आ गए? जब वो खुद जेल में बैठा अपने आप को नहीं बचा सकता तो वो हमारे साथ झूठा वादा क्यों कर रहा है? उसे इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली से, उसे कोई हक नहीं बनता अब इस सीट पे रहने का। हमें वादा करके हमें पैसे देने के बजाय और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कब तक चलेगा ये? इसी साल 4 मार्च को जब केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर जो पैसे बचाती है उससे वो दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। केजरीवाल ने इस योजना का नाम रखा था महिला सम्मान राशि योजना और इसके लिए सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर फॉर्म भी भरवाए थे। एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ है। जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1,000-1,000 रुपए देंगे, मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो उनसे मुलाकात करके लौटी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल के रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिला, जिसके बाद आज उनका गुस्सा भड़क गया और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर रियासी में हुए आतंकी हमले के 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने श्रद्धालुओं के खून से रियासी की धरती को लाल जरूर किया।
लेकिन इसका बदला सबसे भयानक होने वाला है। जम्मू से लेकर जयपुर तक पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा है। हर कोई ये मांग कर रहा है कि आखिर, ये सवाल कर रहा है कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा। क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है, बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में उन पे हमला किया गया। नेते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है इतना सुनने में आ रहा है, उनकी भी हालत सीरियस है चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए, जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं, टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहाँ सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईवली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है। और अब बात छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री दयालदास बघेल ने कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री रुद्रगुरु पर भी दयालदास गंभीर आरोप लगाते हैं। इस बीच बलौदा बाजार में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है।
बलौदा बाजार में कल जो हिंसा हुई उससे पूरा छत्तीसगढ़ हैरान है। अमर गुफा में जैत खाम के साथ की गई तोड़फोड़ को लेकर नाराज सतनामी समाज के लोगों ने कल जमकर हंगामा किया। आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं कलेक्टर ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया और तहसील दफ्तर में खड़ी गाड़ियों में इन लोगों ने तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। हजारों लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पर धावा बोला और प्रदर्शनकारियों ने एसपी और कलेक्टर के कर्मचारियों के वाहनों में आग लगा दी। लेकिन अब बीजेपी ने यहां बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री रुद्र गुरु पर आरोप लगाए। आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्र गुरु उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में कविता प्राण लहरे, ये भी मंच में थी। दयालदास बघेल ने पूछा है कि सतनामी समाज के आयोजन में देवेंद्र क्यों गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। घटना की न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई की बात कही और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज जो न्यायिक जांच का मांग था वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कर लिया गया है और स्पष्ट रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सीएम साय एक्शन में है। सीएम हाउस में इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव शामिल हुए। पुलिस के आला अधिकारी और समाज के लोग भी बैठक में मौजूद रहे। हिंसा को लेकर सीएम साय सख्त नजर आए। उपद्रवियों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं मामले में 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बलौदा बाजार में 16 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। वहीं वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान पुलिस कर रही है। हिंसा के बाद बलौदा बाजार में धारा 144 लागू है। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं और मामले में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जल्द से जल्द सभी सेवाओं को बहाल करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जहां जहां हिंसा हुई है वहां साफ सफाई का काम किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी सेवाओं का बहाल हो जाए और हो भी है। अभी देख रहे हैं, मैं खुद ही काम कर रहा हूं, बाकी मेरी शाखाएं भी काम कर रही हैं, मेरे लीडर्स भी काम कर रहे हैं। सुबह भी मीटिंग हुई ताकि जल्दी जल्दी हम जो पब्लिक सेवाएं हैं उसको हम लोग बहाल कर दें और साफ सफाई भी चल रही है। हर कमरे में साफ सफाई के लेबर लगा दिए गए हैं। रात को भी हम साफ सफाई का काम करेंगे, शिफ्ट वाइज लगा दिए हैं। लाइट वगैरह का बहाल हो चुका है, अधिकतम प्रसन्न हो चुका है। सिर्फ पुलिस का जो ऑफिस है, एसपी ऑफिस है और एक्साइज का जो ऑफिस है उसी गैलरी में थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, वो भी हमारे रायपुर स्तर से अधिकारी आए हैं, उसको बहाल कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जितना जल्दी जल्दी सेवाओं को बहाल कर लें और लोगों को सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए कलेक्ट्रेट का, पुलिस ऑफिस का। बलौदा बाजार में हुई हिंसा क्या साजिश थी? दयालदास बघेल ने कांग्रेस नेताओं पर ये आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर सरकार सख्त है। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस प्रशासन भी उपद्रवियों पर एक्शन में जुटा है। बलौदा बाजार से न्यूज 18 के लिए योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मोहन कैबिनेट ने बंपर भर्ती करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के संकल्पों और उसके पूरा होने का ब्यौरा दिया।
सीएम ने बताया कि कुल 456 संकल्पों में से 41 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 218 संकल्पों पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले। मोहन, कैबिनेट ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती का बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को बेहतर करने के लिए 46,491 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल के पद पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 1,214 पद को प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कैबिनेट ने अलग अलग क्षेत्रों में दी जा रही सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ की राशि को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा हाइड्रोलिक गाड़ियों के खरीदी के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। सड़क हादसे में घायल होने वाले गौवंश को इन हाइड्रोलिक गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। किसानों को बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी गई। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं, उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। लोगों के हित से जुड़े फैसले हो रहे हैं। बंपर बहाली का फैसला बड़ी खुशखबरी वाला है। इसके साथ ही बिजली सब्सिडी का भी फैसला लिया गया, जिससे किसानों को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।